हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज नारकंडा के डार्क फॉरेस्ट में हम करने आ गए कैंपिंग। हम मतलब कैमरा के पीछे हैं अंकुश और विशाल, हम आज ग्रुप कैंपिंग करेंगे। तो गाइज, अभी हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है सामने, और यहाँ पे सामने जहाँ पे आपको जगह दिख रही है यहाँ पे हम लगाएंगे टेंट। रात बहुत ज़्यादा होगी, ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी, रात को बारिश और स्नोफॉल होने के चांसेस भी है। हम लोगों को लकड़ियाँ ढूंढने भी जाना पड़ेगा जंगल में, क्योंकि उस आग के बिना गुजारा यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत घने जंगल में यहाँ पे, तो यहाँ पे जंगली जानवरों का भी डर है। फिलहाल तो हमारे आसपास दो कुत्ते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सेफ फील हो रहा है। लेकिन लोगों ने हमारे को यहाँ पे, जब हमने आने का रास्ता पूछा, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो अभी हमारी यही कोशिश रहेगी फटाफट से फटाफट हम लोग कैंप लगा लें, और उसके बाद हम लोगों को लकड़ियों का भी इंतज़ाम करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्टैंड अभी हम लोगों का यहाँ पर लग चुका है, अभी हम जा रहे हैं जंगल की तरफ लकड़ियाँ लाने। और हम लोगों को यहाँ का 1% भी पता नहीं कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा। ऊपर से अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी लकड़ियों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे। हाथ एकदम फ्रीज हो रहे, पाँव फ्रीज हो रहे, फंबलिंग हो रही है, बोला नहीं जा रहा कुछ भी। तो फैमिली, फाइनली हम लोग लकड़ी लेके आ चुके हैं, और हालत टाइट हो चुकी है। बहुत नीचे गए थे, इससे एक फायदा तो हुआ कि हमारे शरीर थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चली है। और इतनी सारी लकड़ी देखो हम लेके आए, सी ये सारी सारी लकड़ी हम लेके आए हैं। फाइनली हमारी आग जल चुकी है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। हमारे टेंट को भी खतरा है इस चीज़ से, क्योंकि आग के बिल्कुल सामने हमने टेंट लगा रखा है, तो इसकी निगरानी करते रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किलों के बाद आग जली है यहाँ पे। तो यार, हम लोग ना ये कंबल वगैरह सब कुछ लेके आए, अपना बिस्तर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और स्लीपिंग बैग हम लोगों के पास थे नहीं, इसलिए हम अपना पूरा जुगाड़ लेके आए हैं, छिट्टे नीचे बिछाने के लिए, कंबल ऊपर ओढ़ने के लिए। और अगर इसमें भी ठंड लगती है तो पता नहीं क्या ही होगा। सो गाइस, फाइनली हम लोगों के बिस्तर जो है यहाँ पे लग चुके हैं, दो कंबल, कहीं ठहरे ना हम लोग रात को, एक कंबल हमें नीचे बिछा लिए, क्योंकि अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। अब फटाफट से बना लेते कुछ खाने को, और फटाफट से घुस जाएंगे फिर बिस्तर में, क्योंकि आग को अब कुछ भरोसा नहीं। अगर बारिश लग गई तो आग बुझ जाएगी, फिर तो हम लोगों को यही एक सहारा है कि अपना बिस्तर गर्म करते हैं फटाफट से। चलो, और सूप के पैकेट बिखेरी अंकुश, सूप के गिलास छूटे, पानी की दिक्कत पड़ सकती है हम लोगों को रात को, क्योंकि पानी हम सिर्फ दो ही बॉटल लेके आए, और यहाँ पे साथ में जो तालाब है पूरा पूरा जम चुका है, और वहाँ पे जाने का भी रिस्क ले नहीं सकते हम लोग। तो गाइस, ये रहे हमारे यहाँ पे चावल, ये रहा पतीला, और यहाँ पे बन रहा है हमारा सूप। अभी हम बनाएंगे फ्राइड राइस, और कोशिश करेंगे कि अच्छे बन पाए, हाथ काम नहीं कर रहे क्योंकि बिल्कुल फ्रीज हो रहे, बहुत ज़्यादा ठंड है, जुकाम भी हो रहा है, और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। कम रिसोर्सेज में हम करेंगे कोशिश कि हम अच्छे से आज की रात गुजार सके यहाँ पे, और अच्छा खाना भी खा सके। तो गाइस, हमारे यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके हैं ये, और अब इस पतीले में हम बनाएंगे फ्राइड राइस। पहले तो इसको जरा बढ़ा लेते, नहीं तो इसको हम लोगों का मसाला तैयार हो गया फ्राइड राइस बनाने के लिए। और गाइस, ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी बज रहे रात के 11, और टेम्परेचर जो है वो डाउन होता रहेगा। फिलहाल हम लोगों को उम्मीद है सिर्फ आग से, कि आग जलती रहे और थोड़ी सी हम लोगों को गर्माहट मिलती रहे। और गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ एक अजीब सा जानवर देखा, जो उड़ रहा था, लेकिन दिखने में बिल्ली की तरह था। बस इसी चीज़ का डर है यहाँ पे कि कोई जंगली जानवर ना आए रात को नज़दीक, बाकी तो सब ऑल सेट। अरे वो लैंप छोड़ो, बड़े मैं ना है, मैं नहीं, लैंप तो जरूरी है, ऐसे ठीक आ रही वीडियो। अरे रुको, तो थोड़ा सा इसमें डालने को करो, सुनो आए, मजा आ गया। मजेदार। हम स्पून लाना भूल गए, एक स्पून लेके आए, दो फोक। मजा आ गया वैसे आज की कैंपिंग में ना, सच में ये आग अगर थोड़ा नजदीक होती ना, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि तो एंटी चल जाता मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अंगीठी उठा के यहीं ले आती हूं आग। डर किस किस को लग रहा है, सच बोलना? मेरे को नहीं लग रहा डर। कितना परसेंट डर लग रहा है? सबसे ज्यादा डर तेरे को लग रहा है। चुप रह। 0.5 और मैं, डर मेरा 20%, तेरा पता नहीं। मेरे को लग रहा डर, मेरे को लग रहा थोड़ा थोड़ा, मेरे को लग रहा डर। मैं इन सब में मैं सबसे ज्यादा ब्रेव हूं। नहीं, मैं ब्रेव हूं वैसे। मैं ब्रेव हूं कैसे दिख रहा हूँ कुछ मेरे को?
इस ये देखने का क्या मतलब है तुम्हारा? गाइज आग इतनी अच्छी जल रही है ना बाहर, पर हम लोगों को ठंड भी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि जब बाहर जाके हम आग सेकते हैं ना तो जिस तरफ से सेकते हैं वो साइड गर्म हो जाती है और दूसरी साइड ठंडी हो जाती है। लकड़ू है पता कि कितने कट्ठे राती हो नेरे चुगी ने बड़ी मुश्किल है। नेरे 8:30 बजे गए हैं ना, आहे तो आए गए थे वापस आर मानी ने, पर हमारे कने एक छोरू बड़ा ब्रेव बोले भाई लकड़ू ल्याने तब तक नहीं हटा पीछे जब तक पूरे लकड़ू नहीं लिया भैया ने। गुड नाइट वगैरह करो लेटो नीचे नेट चल रहा नहीं है रहा। साउथ अफ्रीका 202 रन का टारगेट भी है इंडिया को, इधर भी इनको चैन नहीं, नेटवर्क है नहीं, पर फिर भी बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रही है। तो गाइज अब करते थोड़ी सी सोने की तैयारी क्योंकि इतनी ज़्यादा देर तक ऐसे बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमने अपने पास रख लिया है एक नाइफ और द्राट बाई चांस रात को अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पड़ सकती है, बहुत घना जंगल है यहाँ पे है ना, तो जंगली जानवर घूमते रहते होंगे, और फिर अगर रात को कोई हलचल हुई तो रात को भी शूट करके आपको दिखाएंगे अगर शूट करने लायक रहे तो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे, और दूसरे जंगली जानवरों का भी डर है बाकी। मगर नहीं हुई तो फिर सुबह मिलते हैं, और सुबह फिर मैं आपको अपने आसपास भी दिखाती हूँ कि कैसी जगह पे हम रुके, क्योंकि हमने भी नहीं देखा यार सही से, बस इतना पता है कि परे जंगल है, बहुत पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। क्या है तेरे को? तो अभी सो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। ठंड चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। बिग बॉस गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी बज रहे सुबह के 7:30 और हमारी हो चुकी है मॉर्निंग। यहाँ पे हमने जला ली साथ में आग क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी रात को, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ है। विशाल अंदर बैठे हैं और अंकुश यहाँ पे है, ये घूम घाम के आ गया है आसपास की जगह है कि कहीं कोई पानी वगैरह तो नहीं, क्योंकि हम लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी ख़त्म है हम लोगों के पास। अंदर का हमारा सेटअप कुछ ऐसा था, देखो इधर नीचे भी हमने ब्लैंकेट बिछाया था, एक दो लेयर और थी, ऊपर भी दो लेयर थे कंबल के, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और मैं आपको आसपास दिखा देती हूँ कैसा है। तो फैमिली ऐसा सा है कुछ, काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे, और रात को यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह के आने की भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये परे को जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये यहाँ पे जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं उनका है, लेकिन हमारे को आसपास यहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे परे एक तालाब है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और मौसम आज क्लाउडी है, ख़राब है आज मौसम।